सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिंह शुभम व्लॉग्स। सो आज का जो वीडियो है वो है मुंबई टू यूपी तक का मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस, जो कि कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा वीडियो पसंद आती है, सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे आपको नाम आएगा। सो वो मेरा इंस्टा आईडी है, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइड कर रहे हो वो भी सोलो, सो प्लीज़ मत करना। बिकॉज होता क्या है कि आप जोश जोश में 100 से 200 किलोमीटर कर लोगे, बट उसके बाद जो आपका माइंड है वो पूरा सबकॉन्शियस हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप 1000-1500 किलोमीटर की फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हो, सो प्लीज़ मत करना, क्योंकि दिमाग आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने 200 किलोमीटर तो कंटिन्यू राइड कर लिया, बट उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जैसे तैसे करके हो गया। कर तो आप लोग लोगे, बट रिस्क क्यों लेना। तो इसके लिए पहले छोटा मोटा शॉर्ट राइड करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे लॉन्ग राइड करना। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर राइडिंग गेयर लेना, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट और राइडिंग बूट। बिकॉज होता क्या है, आप अगर सस्ते में जाते हो, आप एल्बो गार्ड और नी गार्ड ले लेते हो, सो वो मत लेना। बिकॉज वो रास्ते में उसका जो पट्टा होता है वो ओपन हो जाता है, जो कि मेरे साथ बार बार हो रहा था। सो मैंने अब तक की सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट नहीं लिया था। सो प्लीज़ टेक राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट एंड राइडिंग बूट। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि आप अगर राइड कर रहे हो तो कभी भी गूगल मैप पे भरोसा मत करना, क्योंकि 100 में से 10% जो गूगल मैप पे वो शॉर्टकट तो लेके जाएगा, बट कोई कोई जो रास्ते होते हैं वो बंद होते हैं। तो इसकी वजह से क्या, आप थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हो। तो वहाँ पे आप किसी लोकल से आप पूछ लेंगे तो मच बेटर रहेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अगर मेरे पास वीडियो है रहेगी तो मैं आपको क्लिप दिखा दूँगा। फोर्थ पॉइंट जो है, बी केयरफुल ऑन रोड। बिकॉज होता क्या है कि आप एमपी में एंटर करते हो, एमपी और यूपी में, सो रोड्स पे आपको बहुत सारे एनिमल्स आपको रास्ते में मिल जाएंगे, जो कि कभी भी वो आपके सामने आ सकते हैं, बाइक के सामने आ सकते हैं। तो हमेशा बी केयरफुल। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपकी जो निगाह है वो मतलब 100 मीटर आगे होनी चाहिए, ताकि कोई आए तो आपका इमरजेंसी ब्रेक वगैरह आप ब्रेक वगैरह सब मार सको। सो बी केयरफुल ऑन रोड्स। सो पॉइंट नंबर फाइव, अगर आप लॉन्ग राइड करते हो सो प्लीज़ डोंट कैरी कैश। अगर आप कैश कैरी करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 रुपये ही कैश कैरी करना। बिकॉज अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे पेट्रोल पंप पे कार्ड्स और गूगल पे का ऑप्शन मिल जाता है, तो कैश उतना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ 500 रुपया ही कैरी किया था, जिसमें मैंने खाली वाटर बॉटल लिया था और कुछ मैंने चाय और बिस्कुट खाया था, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाकी जितना था मैंने अपने गूगल पे से ही पेमेंट किया था। सो कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग राइड में। अभी आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटी गूगल पे और कार्ड का ऑप्शन आ गया है। तो राइडिंग के टाइम पे ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाते हो राइडिंग के टाइम पे, सो आपको नींद भी आ सकती है। सो 7 पॉइंट यही नहीं है, राइडिंग के टाइम पे ज़्यादा कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन है। बाकी आप खाने के बाद आपको नींद नहीं आती है, सो यू कैन ट्राई मच बेटर। 7 पॉइंट है वो है
आप अपनी बॉडी को राइड के टाइम पे हमेशा हाइड्रेट रखिए। अगर आप समर में राइड कर रहे हो तो अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए। अगर एक बार आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो फिर आपकी अच्छी खासी लग जाएगी। सो कीप योर बॉडी ऑलवेज हाइड्रेटेड। सो बस इतना ही पॉइंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये राइड में मुझे कितना पैसा, मतलब कितना अमाउंट खर्चा हुआ, होटल से लेके रास्ते के खर्चे के नाश्ता वगैरह का, तो मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।